अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मैं हूँ अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माई चैनल मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स का कम्प्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड कोर्स अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम लिख रहे हो तो आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताने की नीड नहीं है ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें गेट एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपसे ना पूछा जाता हो अगर मैं वेटेज की बात करूं, अगर मैं मार्क्स की बात करूं, तो हर साल गेट एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 टू 15 मार्क्स 13 से 15 नंबर का हर साल गेट एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है और अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की बात करूँ ई के एग्ज़ाम की बात करूँ तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स पेपर वन में प्रीलिम्स में आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है मैथाम से बीस नंबर का से नंबर का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्री में तो मैं हम वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस पूरे कोर्स में टोटल हमें छः चैप्टर्स कवर करने हैं चैप्टर नंबर वन दैट इज लीनियर अल्जेब्रा चैप्टर नंबर सेकेंड दैट इज कैलकुलस चैप्टर नंबर थर्ड दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर नंबर फोर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स चैप्टर नंबर फिफ्थ हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटस्टिक्स एंड द लास्ट वन चैप्टर नंबर सिक्स इज न्यूमेरिकल मैथड्स तो ये टोटल छह चैप्टर्स हम लोग इस कंप्लीट कोर्स में डिटेल्ड में करने वाले हैं तो मैं जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग चैप्टर जिस जिससे मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स दैट इज चैप्टर नंबर सेकेंड कैलकुलस तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस चैप्टर से कैलकुलस अब देखिए जो कैलकुलस है वो आपके गेट एग्जाम में यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तीन से पांच क्वेश्चन तीन से पांच क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं थ्री टू फाइव क्वेश्चन और मार्क्स की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज चार से छः नंबर का फोर टू सिक्स मार्क्स का आपसे ये कैलकुलस ही पूछ लिया जाता है गेट एग्जाम में ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बच्चों को सबसे ज़्यादा डर भी इसी चैप्टर से लगता है कैलकुलस चैप्टर से ही सब बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है कैलकुलस वर्ड का बेसिकली मतलब क्या है जो कैलकुलस वर्ड है ये बेसिकली ड्राइव कहाँ से किया गया है कैलकुलस वर्ड का बेसिकली मतलब है कैलकुलेशन करना कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर कैलकुलस के इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या हो कैलकुलस बेसिकली मैथामेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड आप क्या पढ़ते हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स की डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हो एंड आप पढ़ते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशियेशन तो कैलकुलस बेसिकली आपका है क्या कैलकुलस मैथामेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप डील करते हो स्टडी करते हो किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तो ये आप कैलकुलस के अंदर पढ़ते हो तो कैलकुलस की स्टडी को इजी बनाने के लिए कैलकुलस को इजीली समझने के लिए हमने कैलकुलस को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया नंबर वन पार्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस नंबर वन आपका हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस द लास्ट वन थर्ड इज वैक्टर कैलकुलस ये जो वेक्टर कैलकुलस टॉपिक है इससे हर साल गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन दो नंबर का गारंटीड आपसे पूछा जाता है जैसे आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन का टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कि आपसे हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं वाइब्रेशन से तीन से चार नंबर पाँच नंबर तक का भी आ जाता है वाइब्रेशन लेकिन गारंटीड है कि वाइब्रेशन से एक क्वेश्चन दो नंबर का आना ही आना है ठीक उसी तरह से वेक्टर कैलकुलस से आपसे एक क्वेश्चन दो नंबर का पूछा ही जाएगा आना ही आना है अगर आप वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से कवर करना चाहते हो वेक्टर कैलकुलस पर कमांड करना चाहते हो तो वेक्टर कैलकुलस को सीखने के लिए वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से समझने के लिए आपको इंटीग्रल कैलकुलस करना पड़ेगा विदाउट इंटीग्रल कैलकुलस इसकी नॉलेज के बिना इंटीग्रल कैलकुलस की नॉलेज के बिना आप वैक्टर कैलकुलस नहीं कर पाओगे जो इंटीग्रल कैलकुलस में आप ग्रीन थ्योरम स्टोक्स थ्योरम जो कुछ भी सीखोगे वो आपको वेक्टर कैलकुलस में यूज करना पड़ता है क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस से भी आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बिना वैक्ट बिना इंटीग्रल कैलकुलस किए आप वेक्टर कैलकुलस कर नहीं पाओगे आपको इंटीग्रल कैलकुलस समझना ही होगा और अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंशियल कैलकुलस समझना पड़ेगा बिना डिफरेंशिएशन के आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते जब तक आपको डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आता आप इंटीग्रल कैलकुलस नहीं जान पाओगे नहीं समझ पाओगे डिफरेंशियल कैलकुलस से आपके एग्जाम में अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साल छोड़कर दो साल छोड़कर डिफरेंशियल कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर वेक्टर कैलकुलस से गारंटी रहती है इंटीग्रल कैलकुलस से भी आता है वैक्टर कैलकुलस से तो आना ही आना है। तो अब ये हमारे तीन टॉपिक है कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस इन तीन टॉपिक में सबसे पहले हमें सीखना होगा ये डिफरेंशियल कैलकुलस तो डिफरेंशियल कैलकुलस लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा डिफरेंशियल कैलकुलस को करने से पहले आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझना होगा तो अब देखते हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है लिमिट आखिर में होता क्या है जब एक बच्चा क्लास इलेवेंथ में एंटर करता है ना तो वो मैथामेटिक्स में सबसे पहले फर्स्ट टाइम लिमिट के बारे में सुनता है फिजिक्स में भी लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फिज़िक्स बेसिकली क्या है फिजिक्स में हम बेसिकली मैथ को ही यूज़ करते हैं तो फिजिक्स में मैथ में इलेवेंथ क्लास में बच्चा सबसे पहले लिमिट के बारे में सुनता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है ये लिमिट के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या पड़ी हम यूज़ क्यों करते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा मैं आपको बेसिकली तीन से चार क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिमिट के फंडे क्लियर हो जाएंगे लिमिट के आपके बिल्कुल फंडे क्लियर हो जाएंगे कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिमिट एग्जिस्ट कब करती है सारे फंडे हो जाएंगे तो पहले तो यह समझ लो लिमिट वर्ल्ड का मतलब क्या है लिमिट वर्ग का बेसिकली मतलब है अप्रोच लिमिट का मतलब क्या हुआ अप्रोच मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा कीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और यह कितना दे रखा आपको एक्स स्क् माइनस नाइन डिवाइड में आपको दे दिया एक्स माइनस थ्री और मुझे कहा जाता है कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू थ्री हो जाए जब x थ्री होगा आप इस फंक्शन की वैल्यू मुझे निकाल कर बताएं तो मैंने x की जगह पर अब थ्री रख दिया x की जगह पर मैं थ्री रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर मेरा बन जाएगा नाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मेरे पास माइनस नाइन डिवाइड में क्या है डिवाइड में एक्स की जगह पर मैं क्या रख दूंगा एक्स की जगह पर मैं रख दूंगा थ्री माइनस थ्री तो ये मेरे पास कितना हो गया ये मेरे पास ज़ीरो बाय जीरो की फॉर्म बन चुकी है ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म बन चुकी है मतलब क्या हुआ ये वैल्यू जो एक्स इजिकल टू में थ्री है इस पर मैं अपने फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुकी है ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो मैं मुझे क्या पता चला कि मैं इस क्वेश्चन में ये जो मुझे वैल्यू दी गई है एक्स इजिक्वल टू मै थ्री पर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकता ये एक इनडिटरमेंट जो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता वो फॉर्म निकल कर आई है तो अब हम क्या करें तो हम क्या जान चुके हैं हम थ्री पर वैल्यू नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं अगर हम थ्री पर वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम थ्री के आसपास तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम थ्री पर नहीं निकाल पा रहे तो थ्री पॉइंट जीरो वन पर निकाल लो थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन पे निकाल लो या फिर थ्री से थोड़ा सा छोटा टू पॉइंट नाइन नाइन पर वैल्यू निकाल लो टू पर वैल्यू निकाल लो तो हम उसके आसपास निकाल लेते हैं तो यही आता है लिमिट का कॉन्सेप्ट अब जरा ध्यान से देखिएगा ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मुझे पता चल चुका है कि जो तीन है थ्री है उस पर मैं फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता थ्री के आसपास निकाल सकता हूं तो देखिए मैं थ्री की तरफ जा रहा हूं थ्री की तरफ जा रहा हूं और मेरे पास दो रास्ते हैं यहां पर मैं थ्री को अप्रोच कर रहा हूं मेरे पास दो रास्ते हैं, हैं क्या रास्ता है एक तो मैं थ्री की तरफ बढ़ जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड से जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है बच्चों को समझ नहीं आता कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एल एच एल आर एच एल है क्या बेसिकली तो यहाँ पर समझना अगर मैं थ्री की तरफ बढ़ रहा हूँ थ्री की तरफ बढ़ रहा हूँ लेफ्ट साइड से तो वो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी कि मैं थ्री की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से और अगर मैं थ्री की तरफ बढ़ता हूँ राइट साइड से थ्री की तरफ अगर मैं बढ़ रहा हूँ राइट साइड से तो वो मेरी क्या कहलाएगी वो मेरी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी मतलब क्या हुआ तीन की तरफ बढ़ना लेफ्ट साइड से मतलब मैंने एक्स जो वैल्यू है मैंने एक्स की वैल्यू को टू पॉइंट नाइन नाइन रख के देख लिया तीन से छोटा है तीन से छोटा मैं तीन की तरफ जा रहा हूँ देखो मैं तीन की तरफ जा रहा हूँ तीन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी तीन पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही तो मैं तीन के पास जा रहा हूँ तीन के पास मैं कैसे जा सकता हूँ लेफ्ट साइड से एक्स की वैल्यू टू पॉइंट नाइन नाइन रख दी एक्स की वैल्यू टू पॉइंट नाइन 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 रख दी एक्स की वैल्यू को मैं रख सकता हूँ टू पॉइंट नाइन 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 रख सकता हूँ तो ये मेरी सारी क्या कहलाएगी ये मैं लेफ्ट साइड से थ्री की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट वहीं अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो मैं थ्री की तरफ अप्रोच करूँगा राइट साइड से तो राइट right साइड से मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ कि मैंने वैल्यू रख दी थ्री पॉइंट जीरो वन थ्री पॉइंट जीरो वन मैं थ्री की तरफ बढ़ रहा हूँ राइट साइड से मैंने वैल्यू क्या रख दी थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन रख सकता हूँ मैं इधर से थ्री की तरफ जा रहा हूँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ 3.0001 मैं वैल्यू रख सकता हूँ 3.00001 मैं तीन नहीं रख रहा क्योंकि मुझे पता है कि तीन पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ x टेंस टू थ्री यानी कि x अप्रोचिज टू थ्री और जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या थी एक्स स्क्र माइनस नाइन डिवाइड में एक्स माइनस थ्री मेरे पास ये उसने दिया था और मेरे पास तीन पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था तो मैं इसके आसपास की वैल्यू पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा पहले तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं एक्स अप्रोचेज टू थ्री ये एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन है ना तो इसे मैं लगा सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी ये वाला फार्मूला मैंने बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर लिया डिवाइड में क्या है डिवाइड में, में मेरा दे रखा है एक्स माइनस थ्री तो यहाँ पर क्या हुआ x माइनस थ्री से x माइनस थ्री मेरा कैंसल आउट हो गया तो क्या बच गया लिमिट x अप्रोच टू थ्री x प्लस थ्री मैं x की वैल्यू को यहाँ पर थ्री पुट कर दूंगा थ्री प्लस थ्री किसके बराबर आ गया थ्री प्लस थ्री मेरा सिक्स के बराबर आ गया 3 तो मेरे पास जो लिमिट आ गई वो सिक्स के बराबर आ गई मतलब कि जो लिमिट एक्स की अप्रोच कर रही है थ्री की तरफ अब देखो ये मेरा आंसर जो है सिक्स आया है अब यहाँ पर इसको समझो मैं एक्स की वैल्यू को तीन के आसपास लेके चल रहा हूँ एग्जैक्ट तीन नहीं लेके चल रहा मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी एक्स की वैल्यू टू है अगर मेरी एक्स की वैल्यू टू है तो मेरे पास यहाँ से कितना आंसर आएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री मेरे पास यह है ना तो अगर मेरी एक्स की वैल्यू टू पॉइंट नाइन नाइन टू पॉइंट नाइन है तो मेरे पास ये जो कितना हो जाएगा ये जो मेरा फंक्शन बन जाएगा ये टू पॉइंट नाइन प्लस थ्री दैट इज़ फाइव पॉइंट नाइन बन जाएगा अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी टू पॉइंट नाइन नाइन होगी तो मेरे पास फंक्शन कितना बन जाएगा टू पॉइंट नाइन नाइन प्लस का थ्री दैट इज़ फाइव पॉइंट नाइन नाइन ठीक उसी तरह से अगर मेरी एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड से लेता हूँ एक्स की वैल्यू मेरे पास थ्री पॉइंट जीरो वन होगी थ्री पॉइंट जीरो वन तो मेरे पास कितना निकल कर आया है मेरे पास आया है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री तो मेरे पास एक्स की वैल्यू हो गई थ्री पॉइंट ज़ीरो वन थ्री पॉइंट जीरो वन प्लस थ्री ये कितना हो गया सिक्स पॉइंट ज़ीरो वन ये मेरे पास एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट ज़ीरो जीरो वन हुई तो मेरे पास लिमिट कितना हो गया सिक्स पॉइंट जीरो जीरो वन ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मतलब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो अप्रोच कर रहा है सिक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है जो आंसर आया तो ये होता है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू कोई भी फंक्शन अगर उसमें उसकी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए की तरफ वो एल के बराबर होगा कब होगा कोई भी फंक्शन जिसमें उसकी लिमिट x अप्रोच कर रही है ए को वो l के बराबर तभी होगा जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के इससे ध्यान में रखना कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि आप ए पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से तो आप इसे कैसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स किसके बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट कैसे जाओगे आप लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इफेक्ट्स मतलब जो लिमिट आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है वही लिमिट आपकी राइट हैंड साइड से आनी चाहिए ये कंसेप्ट होता है लिमिट का सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज इट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज डिफाइंड क्या किसी लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए क्या फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है तो इसका आंसर है एक बहुत बड़ा नो अ वेरी बिग नो अगर आप लिमिट को एग्जिस्ट कराना चाहते हो अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन डिफाइन होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था एफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन डिवाइड में एक्स माइनस थ्री और जब हमने एक्स की वैल्यू को थ्री रखा था एक्स की वैल्यू को थ्री रखा था तो ये क्या बन गई थी ये नाइन माइनस नाइन थ्री माइनस थ्री जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई थी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई थी तो फंक्शन थ्री पर एग्जिस्ट नहीं करा फंक्शन यहाँ पर थ्री पर डिफाइंड नहीं है तो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी लिमिट x अप्रोचेज टू थ्री हमने इसको सोल्व किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको तीन से चार क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपके बिल्कुल फंडे क्लियर हो जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना होगा आपको समझना होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको देखना होगा इनडिटर्मिनेट कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किसे कहते हैं क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होती है जिन्हें आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते फॉर्म विच कैन नॉट बी डिटर्मिंड विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं तो आपके पास आपके एग्जाम में सिलेबस में सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए आपको याद होनी चाहिए तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन सी है नंबर वन ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म ये आपकी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है नंबर टू इन्फिनीटी बाय ये भी आपकी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है नंबर थ्री जीरो डॉट इन्फिनिटी जीरो डॉट इन्फिनिटी मतलब जीरो मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी नंबर फोर्थ दैट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी आपकी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है नंबर फाइव वन रेस टू पावर में इन्फिनिटी। नंबर सिक्स जीरो रेस टू पावर जीरो एंड नंबर सेवन एंड द लास्ट वन दैट इज लास्ट वन इन्फिनिटी रेस टू पावर में ज़ीरो देखो जो बच्चे गेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं दो साल से तीन साल से वो जानते हैं कि टोटल सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है लेकिन उनको ये नहीं पता होता बहुत से स्टूडेंट्स ये रीज़न नहीं जानते कि इन्हें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहाँ क्यों जाता है इनका रीज़न क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहने का तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा देखिए पहली फॉर्म देखिए ज़ीरो बाय जीरो फॉर्म हमें छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है हमें सिखाया जाता है कि किसी भी नंबर के अपोन में अगर ज़ीरो आ जाए किसी भी नंबर के अपोन में अगर जीरो आ जाए जीरो आ तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अपोन में जीरो आ गया नंबर ऊपर कुछ भी हो दस अपॉन जीरो हो बीस अपॉन ज़ीरो हो सौ अपॉन जीरो हो हज़ार अपॉन जीरो किसी भी नंबर के अपोन में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है किसी भी नंबर के अपोन में जीरो है यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो है तो इन्फिनेटी आंसर आएगा ये हमें छोटी क्लासेज में पढ़ाया जाता है लेकिन हमें छोटी क्लासेज में एक चीज़ और सिखाई जाती है कि कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में जीरो पढ़ा है ना नीचे चाहे कुछ भी हो आंसर ज़ीरो आएगा जैसे ही हम इस जीरो की तरफ देखेंगे ना जीरो की तरफ तो जीरो के अपोन में कुछ भी पढ़ाओ जीरो अपॉइंट सेवन हो जीरो अपॉइंट टेन हो जीरो ओपन हंड्रेड हो जीरो टू थाउजेंड हो जीरो ही आएगा तो अब जरा देखो दो दो आंसर आ रहे हैं अब हम यहां पर कंफ्यूज हो चुके हैं कि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा या इसका आंसर जीरो आएगा क्योंकि अगर नंबर अपोन में है यानी कि डिनोमिनेटर में है और जीरो पड़ा हुआ है तो उसका आंसर इन्फिनिटी है और अगर ऊपर जीरो है तो नीचे चाहे कुछ भी उसका आंसर जीरो होता ही हम छोटी क्लासेज में सीखते हैं तो अब क्या करें इसका आंसर इंफिनिटी आएगा या जीरो आएगा तो कन्फ्यूज हो गए पता ही नहीं है डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो इसलिए एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हम इसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हमें पता ही नहीं आंसर क्या आएगा तो यह हमने क्या बोल दिया एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनफिनिटी बाय इन्फिनिटी चलो अब देखते हैं सेकंड दैट इज इन्फिनिटी बाय इंफिनिटी अब हमें छोटी क्लासेस में क्या सिखाया जाता है हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि किसी भी नंबर के अपोन में अगर इन्फिनिटी आ जाए किसी भी नंबर के अपोन में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा अगर मैं बात करूँ सेवन अपोन इन्फिनिटी ये ज़ीरो आएगा नाइन अपोन इन्फिनिटी ये ज़ीरो आएगा कोई भी नंबर जिसके अपोन में इन्फिनिटी है उसका आंसर ज़ीरो आता है ये हमें छोटी क्लासेज में पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर देखिए ये अपोन में इन्फिनिटी आ गया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर जीरो होना चाहिए इसका आंसर ज़ीरो होना चाहिए लेकिन हम छोटी क्लासेज में ये भी सीखते हैं कि इन्फिनिटी के अपोन में कुछ भी डाल दिया जाए इन्फिनिटी के okay. <pain> <nuovo> <y thudom> नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो आंसर तो इन्फिनिटी ही रहेगा अगर न्यूमरेटर में इन्फिनिटी पढ़ाओ है ना तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा न्यूमरेटर में अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में कुछ भी पड़ा हो कोई लेना देना नहीं है तो इसका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए तो हम फिर से कंफ्यूज हो गए इसका आंसर ज़ीरो आएगा या इनफिनिटी आएगा कन्फ्यूज़न फिर से बन गई तो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ये भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई ये भी हमारी कौन सी फॉर्म हो गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई आप देखो जीरो डॉट इन्फिनिटी इस फॉर्म को देखते हैं जीरो डॉट देखो ये सात के साथ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपके दिमाग में छप जाएगी आप देखते ही बता दोगे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप देखते ही बता दोगे कि ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इनके अलावा और कोई फॉर्म इनडिटर्मिनेट नहीं होती यही सात इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और आप देखते खुद बताओगे कि ये इंडिटर्मिनेंट आपको ऑटोमेटिकली याद करा के दूंगा मैं तो देखो जीरो डॉट इन्फिनिटी हम छोटी क्लासेज में सीखते हैं कि जीरो के मल्टीप्लाइड में डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लाइड जीरो के मल्टीप्लाइड में कुछ भी आ जाए आंसर ज़ीरो आएगा जीरो के मल्टीप्लाइड में कुछ भी आ जाए आंसर ज़ीरो होता है तो यहाँ पर ये जीरो है इसके मल्टीप्लाइड में कुछ भी आंसर ज़ीरो होना चाहिए तो आंसर जीरो हो जाएगा लेकिन एक और चीज़ सीखते हैं कि इन्फिनिटी के मल्टीप्लाइड में कुछ भी हो इन्फिनिटी के मल्टीप्लाइड में कुछ भी हो रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा रिजल्ट क्या आना चाहिए इन्फिनिटी तो आप जीरो को जब इन्फिनिटी से करा रहे हो जीरो के अकॉर्डिंग जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करो तो ज़ीरो आना चाहिए इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करें तो इन्फिनिटी आना चाहिए अब दो दो आंसर आ गए जीरो या इन्फिनिटी क्या आंसर लिखें पता ही नहीं तो इसलिए ये भी हमारी कौन सी है ये भी हमारी इनडिटरमेंट फॉर्म है हम इसे भी नहीं बता सकते कि हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कन्फ्यूज हो गए तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म फोर्थ वन देखो फोर्थ वन इनफिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसे ही मैं इसकी तरफ देखता हूं इन्फिनिटी की तरफ देखता हूँ ये माइनस का साइन है इन्फिनिटी में से आप कुछ भी माइनस करो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो आपके पास आंसर इन्फिनिटी ही आएगा इन्फिनिटी में से जो मर्जी आप माइनस कर लो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी ही आएगा और वहीं जब मैं इस इन्फिनिटी की तरफ देखता हूँ यहाँ पर यह क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा है मतलब इन्फिनिटी को किसी चीज़ से माइनस किया जा रहा है अगर आप इन्फिनिटी को किसी चीज़ से माइनस करते हो ना इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा अगर इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा अब कंफ्यूजन फिर से बन गई इन्फिनिटी लिखे या माइनस इन्फिनिटी लिखे आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी कंफ्यूजन फिर से बन गई तो ये भी हमारे पास कैसी फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुकी है इनडिटर्मिनेट अब देखो फिफ्थ वन रेस टू पावर में इंफिनिटी क्या सीखा था छोटी क्लास में क्या बताया था जूनियर क्लासेस में क्या सिखाया गया था वन की पावर में कुछ भी आ जाए वन की पावर में जीरो हो वन की पावर में टेन हो वन की पावर में माइनस टू हो वन की पावर में माइनस टू बाई थ्री हो वन की पावर में कुछ भी हो जाए कुछ भी आपका रिजल्ट वन होता है वन की पावर में कुछ भी हो जाए रिजल्ट कितना आएगा वन आएगा ये हमने छोटी क्लासेज में सीखा है लेकिन साथ में ये भी सीखा था कि किसी भी नंबर की पावर में अगर इन्फिनिटी है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा कोई भी नंबर जिसकी पावर में इन्फिनिटी दे दिया जाए उसका आंसर इन्फिनिटी ही आता है ये भी सीखा था तो अब आंसर वन लिखे या इन्फिनिटी लिखें फिर से कन्फ्यूज़न आ गई फिर से डाउट आ गया नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो ये भी आपकी कौन सी फॉर्म है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वन टू पावर में इन्फिनिटी भी आपकी कैसी फॉर्म है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी अगला देखो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म जीरो बाय ज़ीरो हाँ जी क्या सीख के आए थे किसी भी नंबर की पावर में अगर ज़ीरो होता है तो आंसर वन होता है कोई भी नंबर उठा लो सेवन की पावर में ज़ीरो कर लो रिज़ल्ट वन आएगा टेन की पावर में ज़ीरो कर लो रिज़ल्ट वन आएगा कोई भी नंबर उठा लो दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी भी पावर में जीरो है रिज़ल्ट वन आएगा तो रिज़ल्ट कितना आना चाहिए देखो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर पावर में कितना दे रखा है पावर में जीरो दे रखा है तो रिज़ल्ट वन आना चाहिए लेकिन और क्या सीखा था ज़ीरो की पावर में कुछ भी आ जाए जीरो की पावर में कुछ भी आ जाए आंसर ज़ीरो जीरो की पावर दस हो जीरो की पावर सौ हो ज़ीरो की पावर पचास हो हज़ार हो दस लाख हो बीस लाख हो कुछ भी हो जीरो की पावर में जीरो मतलब आंसर ज़ीरो तो ये भी क्या हो गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई वन आएगा आंसर या जीरो आएगा पता नहीं डिटरमाइन नहीं कर पा रहे बता नहीं पा रहे तो ये भी कैसी फॉर्म है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई लास्ट सेवन्थ इन्फिनी की पावर में ज़ीरो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कैसे किसी भी नंबर की पावर में जीरो है रिजल्ट कितना आना चाहिए वन आना चाहिए ये छोटे क्लासेस में सीख कर आए थे छोटे क्लासेस में पढ़ के आए थे किसी भी नंबर की पावर में जीरो आ जाए रिजल्ट वन आएगा रिजल्ट वन आएगा लेकिन साथ में इंफिनिटी की पावर में जो मर्जी डाल दो इन्फिनिटी की पावर में जो मर्जी डाल दो रिजल्ट तो इन्फिनिटी ही आएगा इन्फिनिटी की पावर में कुछ भी हो रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा कन्फ्यूजन फिर से बन गई वन लिखे या इनफिनिटी लिखे आंसर क्या वन या इन्फिनिटी नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो ये भी आपकी कौन सी फॉर्म है ये भी आपकी इनडिटरमेंट फॉर्म है तो ये सात इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी आ गई है आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चिपक चुकी है आप देख कर आपके दिमाग में छप चुकी है आप देख बता सकते हो कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं तो जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जीरो डॉट इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वन रेज टू पावर इन्फिनिटी जीरो रेज टू पावर जीरो और इन्फिनिटी रेज टू पावर जीरो ये सब आपकी कौन सी फॉर्म है ये सब आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है अब कॉमन मिस्टेक्स मैं बता देता हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या बोलते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझ लेते हैं वो इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेंट समझ लेते हैं ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है क्यों नहीं है मैं रीज़न बता देता हूँ देखो अगर मैं इस इन्फिनिटी की तरफ देखता हूँ तो इन्फिनिटी बीच में साइन कौन सा प्लस का आप इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो आंसर तो इन्फिनिटी आएगा इन्फिनिटी में दस जोड़ो बीस जोड़ो पचास जोड़ो चालीस जोड़ो कुछ भी जोड़ो आपने ऐड किया ना तो आंसर तो इन्फिनिटी आएगा और इस वाली इन्फिनिटी की तरफ देखो इस वाली इन्फिनिटी को भी जोड़ा गया है तो इस इन्फिनिटी को किसी भी चीज में ऐड करोगे आंसर तो इन्फिनिटी आएगा इन्फिनिटी में दस जोड़ दो पचास जोड़ दो हजार जोड़ दो जो मर्जी ऐड कर लो इन्फिनिटी आएगा तो आंसर हर बार इन्फिनिटी ही आ रहा है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थोड़ा हुई ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों होगी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है ये एक डिटर्मिट फॉर्म है डिटरमिन क्योंकि आंसर तो आपका फिक्स आ रहा है आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा इसलिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है एक गलती और करते हैं स्टूडेंट्स एक मिस्टेक और करते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन्फिनिटी रेस टू पावर इन्फिनिटी वो इसे भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझ लेते हैं इस फॉर्म को भी वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझते हैं ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है क्यों नहीं है देखो इन्फिनिटी की पावर में कुछ भी पढ़ाओ आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा इन्फिनिटी की पावर में कुछ भी हो आंसर इन्फिनिटी आएगा वहीं किसी भी नंबर की पावर में अगर इन्फिनिटी डाल दिया जाए किसी भी नंबर की पावर में इन्फिनिटी डाल दिया जाए तो आंसर तो तब भी इन्फिनिटी आता है ठीक है तो दोनों केसेस में आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि इसका आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा तो जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि इसका आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा तो ये हमारे पास तो डिटर्मिनट फॉर्म हो गई डिटर्मिनट हो गई बच्चे क्या करते हैं यही मिस्टेक करते हैं क्या करते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझ लेंगे इन्फिनिटी रेस टू पावर में इन्फिनिटी इसको भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझ लेंगे ये दोनों की दोनों फॉर्म आपकी डिटरमाइंड है ध्यान रखना डिटरमाइंड सिर्फ सात सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है आपके पास और मुझे इतना विश्वास है जैसे मैंने आपको बताया है उसके पीछे का लॉजिक समझाया आपको ऑटोमेटिकली याद हो चुका है कि कौन सी फॉर्म आपकी इनडिटर्मिनेंट होगी और कौन सी फॉर्म आपकी डिटर्मिनेंट होगी तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक कैसे करते हैं बेसिकली तीन से चार क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और उसमें हम लोग ये सीख जाएंगे कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं ये कैसे चेक करें ओके थैंक यू